चलो भाई, यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके ऊपर हमने एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का शेप कैसे बनाना है। तो ये डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, जैसे एक शेप सीपीयू का बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम एक कलर भर देते हैं, सबसे एक कलर दे देते हैं, उसको यहाँ क्लिक करके नो फिल कर देते हैं। उसके बाद एक शेप हम यहाँ से एलसीडी का बनाते हैं, ठीक है, ये इस तरह से, और उस पर क्लिक करके हम इसके बराबर में या इसके इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं। अब कीबोर्ड बनाने के लिए इसी को कंट्रोल अल्टर के साथ नीचे ले आते हैं और इसको इस तरीके से कीबोर्ड का शेप बना देते हैं, ये इधर आ जाएगा। इसका अंदाज कुछ ऐसा रखें कि ये इसके साथ ही एडजस्ट हो जाए, थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि इजीली काम करने में आसानी। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे, क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से सेलेक्ट करके थोड़ा सा इस साइड को हम आगे कर देते हैं, तो थोड़ा बुरा लग रहा है तो इसको नीचे वाले हिस्से को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ से क्लिक करके ये इस तरीके से, तो ये इस तरह से आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसका थोड़ा सा साइज कम कर लेते हैं, तो यहाँ से क्लिक करके हमने इसके साइज को थोड़ा सा कम कर लिया, तो ये चीज़ इस तरह से इसकी बन गई। अब रह गया माउस बनाने का, तो इसमें जो है थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। माउस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से गोल्स ऑप्शन लेंगे इस तरीके का, और इसके बाद जो है हम इसी में इसी का ऑल्टर लेके, और ऑल्टर से इसका डुप्लीकेट लेंगे, और डुप्लीकेट लेके इस पर इसी तरह से इस पर 50% पे ऐसे रखेंगे, ठीक है, और इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। सपोज टू बी इसका कलर हम यहाँ से ये वाला रख लेते हैं, और क्लिक करके इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं कि ये माउस का कैसे होगा। इस तरह का माउस भी बना सकते हैं, अगर हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हम काम नहीं करना चाह रहे तो यहाँ से इसको इस तरह थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको ऐसे रख लेते हैं, और फिर इसके जो सिंपली दो जो साइड्स होती हैं उनको हम कुछ इस तरह से बना देते हैं, क्लिक करके यहाँ पे, और कर्व कर देते हैं इसको यहाँ से, और ये भी कर्व हो गया। उसके बाद यहाँ से क्लिक करके इसको क्लिक करके यहाँ से ऑल्टर के साथ थोड़ा सा कम करेंगे। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा जूम लेवल पे से ज़्यादा छोटा हो नहीं पा रहा है, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, थोड़ा कम कर लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा अल्ट्रा शिफ्ट के साथ छोटा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से क्लिक करके इसको हम इस तरह से कर देते हैं, और ये इधर रख देते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद इसी का जो अपोजिट है वो यहाँ से रिफ्लेक्शन टूल की मदद से हम इसका सेंटर पॉइंट लेंगे ऑल्टर की मदद से, तो यहाँ पे इसका कॉपी करेंगे तो इसका एक रिफ्लेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे रख लेते हैं इसके बराबर में इसको, ठीक है। तो ये इस तरह का माउस का शेप इसका बन सकता है। पीछे भी अगर कुछ शेप और ऐड करना चाहें, आप इसको इस तरीके से कि यहाँ पे लगा के इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर दें, और यहाँ पर आप इसका जो है थोड़ा सा इस तरह से कर दें, तो ये खैर ये फिर बहुत अजीब लग रहा है, तो यही वाला बेहतर लग रहा है मुझे शेप इसका। इस तरह से आप इसका एक माउस का शेप बना लें, तो ये एक माउस का शेप बन गया। बीच वाला जो है इसके ऊपर थोड़ा सा कम करके अल्टर शिफ्ट के साथ उसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, और उसको उठा के इसके सेंटर में कहीं भी हम माउस की मदद से, एरो कीज की मदद से, छोटा बन गया माउस। अच्छा, जैसे ये प्रॉब्लम आता है ना, ज़्यादा जूम करके काम करते हैं तो फिर ये एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता है, थोड़ा फिर ऑब्जेक्ट को बड़ा करके बना के फिर बाद में उसको छोटा कर ले। इसके लिए भी आपको ट्रैक बताता हूँ कि उसको आपने कैसे करना है। अच्छा, उसके बाद आपने इसका जो है एक वायर बनाना है, तो वायर बनाने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर लें ब्लॉब पेंट ब्रश टूल यूज़ कर लें, या ब्लॉब ब्रश यूज़ कर लें, ब्लॉब ब्रश इस तरह से इसका कोई भी एक तरीके का वायर आप इसके क्रिएट कर सकते हैं। तो उस पर डबल क्लिक कर लें, ब्लॉब ब्रश का जो इसकी फर्टिलिटी है और जो इसका राउंडनेस है और जो इसका साइज़ है वो इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो साइज़ इसका 10 पॉइंट है, मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पिक्सल पर रख देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा इसमें। और यहाँ से मैं इसका पाइप अभी भी थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको डबल क्लिक करके यहाँ से इसको आप रख लें तकरीबन 2 पिक्सल पे कर दें, और इसको ओके कर दें। अब देखिए थोड़ा सा पहले से ये सही रहेगा इसका, तो ठीक है। इस तरह से हम इसका एक वायर निकाल के ऐसे कर देते हैं, यूँ या यूँ करके, ठीक है, ये कुछ सही रहेगा। उसके बाद सेलेक्ट करके इसका वायर का जो कलर है वो हम इसके हिसाब से ही सेट कर लेते हैं, तो इसके हिसाब से हम इसका कलर सेट कर लें, क्लिक करके हमने इसको ग्रुप कर दिया, और ग्रुप करके इसको हमने यहाँ से ऐसे करके छोटा कर दिया, छोटा करके हमने इसको उठाया
अभी भी माउस का साइज एज कम्पेयर टू उसके बड़ा था, तो यहाँ से उठा के हमने ऐसे रख लिया और उठा के हमने इस माउस को यहाँ पे इस तरह से रख दिया, ठीक है। और फिर इसका अगर साइज आपको लग रहा है बाद में कि वो जो अंदर वाला वायर है वो उसका कम है साइज, तो उसका अनक्रूप करके इसको पकड़ें यहाँ से और इसको फिर इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर दें ताकि वो सीपीयू के अंदर इस तरह से आपको जाता हुआ नजर आए, और वो फिर इसको थोड़ा सा मूव करने में आपको आसानी रहे, ठीक है। अब कुछ बेहतर लग रहा है तो यहाँ से क्लिक करके इसका एक ग्रुप बना दें। अब रहेगा कि मामला ये कि ये जो सीपीयू है इसको सीपीयू का शेप किस तरह से देंगे, तो इसके लिए भी बहुत आसान सा तरीका है कि एक सिंपल सा एक सीपीयू अगर हमें बनाना है तो इसको हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं इसके ऊपर, और यहाँ क्लिक करके इस सर्कल में ए वाला कलर डाल देते हैं और यहाँ से ये कलर इसके ऊपर आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और इसके इसके ऊपर यहाँ ला के इसका बटन ये क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक और छोटा बटन होता है इसका, अगर हम से पुराना सीपीयू बना रहे हैं तो ये इसके नीचे एक बटन इसके नीचे आ जाएगा इसके ऊपर इस तरीके से। और रह गई एलसीडी और जो उसके सीडी डीवीडी इसके पार्ट्स होते हैं, तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर एक शेप बना के इस तरीके से रख सकते हैं और उसको उठा के इसके यहाँ पे शेप पे यहाँ पे फिक्स करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसके थोड़ा कलर्स को फॉन्ट्स को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे करके दोनों को सिलेक्ट करके इसको उसके बेस बना के इसको इसके सेंटर में ले आएंगे, तो यहाँ से इसके सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ऑल्टर के साथ यहाँ क्लिक करके इसका एक और हम यहाँ से डुप्लीकेट ले लेते हैं और इसका एक और डुप्लीकेट ले लेते हैं, तीनों को सिलेक्ट करेंगे इसके साथ और इसको बेस बनाएंगे और अलाइन में जाके यहाँ से इसको सेंटर कर देंगे और यहाँ से इसका जो एडजस्टमेंट लेवल है इसको कर लेंगे, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं करनी थी, ठीक है। तो हम तीनों का जो स्पेस पोजीशन है एक जैसी रखनी है, तो हमें इसको थोड़ा ऊपर करना है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करना है और अलाइन में जाके इसको यहाँ पे देखना है स्पेस तकरीबन इक्वल है इसका, ठीक है। तो ये इस तरह का मामला आप इसके साथ कर सकते हैं। अब रह गया नीचे कोई आपने और नीचे भी डिज़ाइन कोई डालना है या एक सिल्क फ्लॉपी का डिज़ाइन भी डालना है जो लेगेसी नहीं है लेकिन पुराना डिज़ाइन है, तो उसके लिए आपने इसको और थोड़ा छोटा करना है और पतला करके इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे बीच में लगा देना है साइड की तरफ करके, तो ये इसकी फ्लॉपी डिस्क का साइन आ गया। और नीचे अगर आपको एक थोड़ा सा और इसकी जो शो करनी है कि भाई ये नीचे भी इसके साथ कुछ ऐसी इसकी डिज़ाइंस के तौर पर पट्टियाँ हैं या कुछ इस तरह की चीज़ है, तो यहाँ पर क्लिक करके ऑल्टर के साथ आपने इस तरह से शो कर देना है कि ये एक इस तरह का डिज़ाइन इसके नीचे भी मौजूद था। तो ये देखिए एक सीपीयू का साइन हमारे सामने यहाँ बन गया। अब इसके बाद हमने इसके बीच में क्लिक करके थोड़ा सा ये करना है, इसको कॉपी करना है, कंट्रोल शिफ्ट वी करना है, पेस्ट इन प्लेस करके इसको ऐसे अल्टर शिफ्ट के साथ थोड़ा कम करना है, इसको थोड़ा सा यानी कि जो आउटर है और इनर है इसको थोड़ा सा उससे ज़्यादा डार्क करना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे इसका डार्क वर्जन ये मौजूद है और इसकी सराउंड को किसे कवर कर देना है, तो ये प्रॉपर एक कंप्यूटर का शेप आ जाएगा। अब रह गया इसका एलसीडी का स्टैंड बनाना है, तो स्टैंड किस तरह से बनेगा, स्टैंड बनाने के डिफरेंट एंगल्स हैं जिस तरह आप बनाना चाहें कि अगर आप उसका बेस भी शो करना चाहें। अब यहाँ पे हम बेस, ओहो